हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं उनसे आपके जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है, और जब आप अलग अलग ग्रहों का परिवर्तन सुनते हैं तो उसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो एक साथ हम जब समझते हैं तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर फल आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा बुरा जो भी मिलेगा वो समझेंगे, और फिर उपाय भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो ये अपना राशि परिवर्तन 16 सितंबर को करने वाले हैं। ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये बुध की राशि है। चंद्रमा तो अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं, और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन नहीं है। मंगल इस समय बुध की ही राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 23 सितंबर को होने जा रहा है कन्या राशि में, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं इस समय। शुक्र की बात करें तो शुक्र 19 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनि देव की बात करें तो शनिदेव वक्रीय अवस्था में समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये ग्रह स्थितियां हैं। अब इससे कुछ योग संयोग ही बन रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बुध, सूर्य और केतु तीनों ग्रह कन्या राशि में हैं, तो इससे बुधादित्य योग, ग्रहण योग और जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग भी कहते हैं, तो ये बनने जा रहा है। परंतु ये जो योग बनने जा रहा है ये देखने में कुछ और दिख रहा है, परंतु रहस्य इसमें कुछ और छुपा है। तो हम समझेंगे कि इन सबका क्या प्रभाव हमारे जीवन में हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक है, इसमें कोई खास समस्या नहीं है, परंतु थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के रखना है, आपको योग प्राणायाम करते रहना है, और साथ में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर की भी आराधना करते रहें तो भी आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। और इस समय देखा जाए तो आप बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे, और कुछ ऐसे निर्णय ले पाएंगे जिनसे आपको काफी कुछ जीवन में अचीव करने को मौका मिलेगा। विद्यार्थियों, स्टूडेंट की स्थिति देखी जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। विद्यार्थियों के लिए बस जरूरत है कि आपको बहुत ज्यादा अपने, ऐसा नहीं कि दोस्त हैं यार हैं वो ठीक है, परंतु उनके साथ घूमने फिरने में समय बिताएं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए स्थितियां ठीक कही जाएंगी, कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जो लव पार्टनर है उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। लव पार्टनर के लिए ये महीना जाते जाते आपके लव लाइफ में चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी तीसरे की वजह से कोई समस्या आई हो, या कोई भी कारण हो, किसी भी तरह अलगाव की स्थिति बनी हो, उसमें अब परिवर्तन होगा, उसमें अब सुधार होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये बात जरूरी है हमेशा कि कर्म करना तो बनता ही है, बिना कर्म किए भाग्य भी साथ नहीं देता है। जब हम कर्म करते हैं तभी भाग्य भी हमारा साथ देता है, क्योंकि कर्म ही भाग्य है। और प्रयास आपको करना होगा। अब देखा जाए तो जो मैरिज लाइफ है, जिनकी दाम्पत्य जीवन है, उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। जो कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां तो नहीं है, परंतु इस समय सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप क्रोध में आ सकते हैं, जल्दबाजी में कुछ कह सकते हैं, जल्दबाजी में आने की वजह से, जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेने की वजह से थोड़ा सा मैरिज लाइफ में वाद विवाद अनबन की स्थिति हो जाएगी। बाद में फिर पछतावा भी होने वाला है, परंतु कहते हैं ना कि जब चिड़िया खेत चुग लेती है तो फिर पछताने से क्या होता है। तो वही बात है कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि
कई बार एक जो हम कहते हैं ना कि जो हम बीज बो देते हैं तो फिर वृक्ष तो वही होगा, दूसरा वृक्ष होने वाला नहीं। तो बीज बोते समय ध्यान रखना है कि कौन सा बीज बो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों की स्थितियां सामान्य रहेंगी, बहुत ज्यादा कोई खास समस्या भी नहीं है, परंतु थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। पर यह है कि जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, ना कोई बड़ा लाभ है तो कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है। आपको भी यही प्रयास करते रहना है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलाते रहें। जो लोग जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मार्ग जरूर मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य जरूर रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले मिले या बाद में जाते जाते मिले, ये महीना पूरा होते होते मिले मौका, पर एक मौका जरूर मिलने वाला है जिसमें आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और इसमें जैसे मैंने कहा कि बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, तो इस महीने में जरूरत है आपको अपने, अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में एक तो मौका बहुत कम आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारे अच्छे मौके आते हैं, परंतु वो ध्यान न देते हैं। इसकी वजह से, ध्यान न देने की वजह से कहीं ना कहीं वो मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। इसी तरह इस महीने की स्थिति है कि इस समय मौका आपको मिलेगा, आपको अवसर देखने को मिलने वाले हैं, परंतु जरूरत है उनको समझने की और फिर मेहनत करने की। तो करियर में कुछ न कुछ आप बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा कि इतिहास रच सकते हैं, तो ये मौका है, यदि मौके का फायदा आपने उठाया तो इतिहास रच सकते हैं। इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि जो आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थितियां हैं। अब जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है जो 10,000 कमाता है, उसके लिए यदि 20,000 कमा ले तो बहुत बड़ी बात है ना। उसके जीवन में एक हो जाता है कि हमने एक ऐसा समय, तो उस समय हमने 20,000 कमाया या 15,000 कमाया था। यह कहने का मतलब ये कि जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो वो एक इतिहास बन जाता है हमारे जीवन में, याददाश्त बन जाती है। पुरानी चीजें जो अभी भी है वही इतिहास है। और ऐसे ही हर एक व्यक्ति का है, कोई 1,00,000 कमा रहा है, 1,50,000 कमा लिया है ना, कभी अभी तक नहीं हो पाया था, या और भी कोई स्थितियां हो सकती हैं। मतलब कुछ न कुछ ऐसा जीवन में घटने वाला है जो कि याद रहेगा, तो इसलिए आपको उसका फायदा भी उठाना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां थी जो कि आपके जीवन में घटने वाली हैं। और देखा जाए तो फाइनेंस को लेके भी काफी कुछ सुधार की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनने वाली है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे जरूरी है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, और साथ में पूरे राम दरबार की, हनुमान जी के साथ में पूरा राम दरबार जो है उसकी आराधना करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। पूरे राम दरबार की आराधना करेंगे तो हनुमान जी की भी आराधना हो जाएगी और राम दरबार की भी हो जाएगी। तो इसलिए आप राम दरबार की आराधना करें। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं या करें, इसके बाद निर्णय लें। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।